Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the channel. तो मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ. हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट और हम अभी बस में, और हम बस अभी स्टार्ट हुई है और मैं आपको बस का नज़ारा दे देती हूँ. तो देखिए ये है बस का नज़ारा. मम्मा और मैं यहाँ बैठे हैं को फोन करके बोलने वो से समझ में आ गया. और यहाँ पे पूरा यहाँ पे ये ऊपर है जो कि दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उसने हाँ कर दिया. तो अभी आपको दिखाती हूँ बस के अंदर करने, मतलब पूरा बाहर का नजारा है ये. गाइस हम लोग पहुँच गए हैं थोड़े आगे, आपको दिखा देती हूँ. और टाइम हो रहा है 7:01 सुबह के 7 बजे. और पता है सुबह सुबह उठना पड़ा, वो भी पता कितने बजे? 3:00. लिटरली हम सुबह के 3:00 उठे थे. तो यार मम्मा मम्मा एकदम मम्मा हाय तो कर दो फ्रेंड्स को. तो फिर मुझे तो और पापा पीछे बैठे हैं, तो इसलिए मैं नहीं खा सकती क्योंकि बस स्टॉप दिखा सकती हूँ लेकिन. तो गाइस मैंने अपनी नींद पूरी कर ली है और हम पहुँचने वाले हैं. पता नहीं कितनी देर में पहुँचेंगे. पापा कह रहे थे 2 hours, तो देखते हैं. तो गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं रिजॉर्ट, और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रहता है हमारा रिजॉर्ट. और हम बस पे जा रहे हैं और मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखा रही थी. तो गाइस हम पहुंचने वाले और आप देख ही सकते हैं. हम लोग पहुंच चुके जिम कॉर्बेट और हम लोग पहुंच चुके रिजॉर्ट, और यहाँ पे सबका वेलकम हो रहा है. आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए यहाँ पे सबका वेलकम हो रहा है और ये सब है यहाँ पर. ये हमारा रिजॉर्ट का रूम है और हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं. ये हमारा रिजॉर्ट का रूम है और हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं. रूम खोल रहे हैं. यहाँ की एंट्री है. ये बेड है, ये बेड रखा हुआ है. और अब हम बाहर लॉबी में जा रहे हैं. ये लॉबी नहीं है वैसे, लॉबी में जा रहे हैं. तो ये लॉबी में हम देखेंगे. अरे ये स्विमिंग पूल है. ओ माय गॉड, मतलब रूम के साथ इन्होंने स्विमिंग पूल भी दे रखा है. यस गाइस, तो हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद. और पर्सनल स्विमिंग पूल है और रूम के साथ अटैच है. स्विमिंग भी करेंगे. स्विमिंग करेंगे कनक एंड मुदित. कनक एंड मुदित दोनों स्विमिंग करेंगे. कैसे छोड़ेंगे? ऐसे. ओके और उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं. अब हम जाएंगे यहाँ पर. ये हाय हाय गाइस, ये कनक के पापा हैं. और कनक को आप सब लोग सपोर्ट करें. कनक बहुत परेशान होती है, मेरे व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं. आप सब लोग सपोर्ट करें कनक को. तो गाइस ये एकदम ट्रैम्पोलिन के जैसे. ये दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं जिम कॉर्बेट पे. और हम लोग होटल में आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं लंच करने. लेट्स गो. फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं और चलते हैं लंच के लिए. उसके बाद रेस्ट करेंगे और इवनिंग पार्टी एंजॉय करेंगे. पूल पार्टी. ये पूल पार्टी. लेट्स गो गाइस. तो चलते हैं. लेट्स गो. तो हम
हम लोग होटल में रिजॉर्ट में और यहाँ पर है हमारा स्विमिंग पूल। मैं भी अच्छा यहाँ पे है हमारा स्विमिंग पूल। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी हम लंच करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग स्विमिंग पूल में क्या करेंगे, पूल जाएंगे। तो लेट्स गो टू ईट फूड टू लंच। घूमो लो हिट दे साली मेरे दगड़, हो तुम ते भी दा मुड़ है गे छा मेरी उड़ा तेरे दगड़।
देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के जंगलों के एक निकट है, इसमें फूल है। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छी तरह से उत्तराखंड के जंगलों के जंगली होगी यार तेरे से भी। नहीं धक्का नहीं देना, जिसको अपने आराम के लिए कोई धक्का नहीं देगा, किसी को कोई धक्का नहीं देगा। नो no, कोई भी किसी को धक्का नहीं देगा। आप अपने आप खेलो। मोदी मैं आपकी वीडियो ले रही हूँ। ओके पकड़ पकड़
तो गाइस नेक्स्ट डे मतलब हमारा लास्ट डे हो चुका और हम जाने वाले हैं सफारी पे और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो देख लीजिए मेरी आउटफिट और मैं ग्लासेस भी पहनूंगी। तो जब हम सफारी भी जाएंगे तब पहनेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है ना इसलिए। तो चलो देखते हैं मुझे हम लोग शॉर्टकट जाएंगे ताकि हम जल्दी पहुँच जाए आने। तो हमारा रूम नंबर है 209। पापा ये रहे मैम। और ये चाचा रहे ये तो बताओ। तो ये है मेरे दीपक चाचू। अरे मेरे चाचू तो ये है मेरे चाचू। मैं तो गाइस चलो मैं आपसे मिलाती हूँ मेरी छोटी सी बहन जिसका नाम भी कनक है और इसे हम प्यार से बुलाते हैं कन्नू और मेरी बड़ी दीदी चिंकी दीदी। आ जाओ। जय श्री राम। तो ये है मेरी सबसे छोटी बहन कन्नू और ये है मेरी बड़ी बहन चिंकी दीदी और मैं आपसे सबसे छोटे से ब्रदर से भी मिलाना चाहती हूँ। चलो आ जाओ। ये ब्लॉग बनाती डोली है। तो ये है हमारा छोटा सा ब्रदर। उधर अब बड़े बड़े देख ले। हो जाओगे। तो ये वाले भैया मजाक करते रहते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है। यहाँ पे शेर तो मेरे तो कुछ दिख नहीं रहा है। सांप के घर
की पत्ती है। मैं भी तो कह रहा हूँ यार। नहीं तो जानते हैं ना वो पहचान। रोज के रोज के नए वाला लाओ। दिल्ली वालों को लेके जा रहे हैं। कीड़ों की आवाज भी सुनाई दे रही है। पता नहीं कौन से कीड़े हैं, अजीब सी अच्छा आवाज आ रही है। पापा कह रहे थे कि ये जो कीड़े होते हैं जमीन के नीचे होते हैं, बहुत सारे जुड़े होते हैं, उनकी बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही है। हमें अभी एलिफेंट के लेग्स के निशान दिखे थे, फुटप्रिंट दिखे थे।